काजल जी चली गई क्या? एक गाना उनके साथ करना है मुझे, ऐसे नहीं जाने दूंगा। कि प्यार काली परसो की एक बात बताइए तो बता देगा, लाइन बनी से नूरा लगा किसे नूरा लगावल मजाक ना होला, उड़े खातिए बबुआ पाख ना होला, तो दिल जहाँ लागे दिमाग ना लागे, पूछ लेनिए से कि खराब ना लागे, कि अपना पाचारा में हमारा के आवे देबू का, एगो बात बताई तो बताए देबू का, लाइल बनी से नूरा लगे। काजल जी को ये गाना के लिए रोकिएगा, वो मेरे दिल के करीब का गाना है, उनके साथ करना है। कि प्यारे नहीं खेल खल अरे हाथ के लकीर में नहीं खुदक दीर में, कि घाम लगता जे राजा घाम लगता है। हाँ, इसी जिला का आप लोग का प्यारा भाई किशन, किशन जी का ये लिखा हुआ गाना आप लोगों ने मेरा सुना होगा। और उन्होंने एक और गाना लिखा था, हमारे सनी बाबा के भाई हैं, जो सनी बाबा आप सबके जिला के कलाकार हैं, उन्हीं के भाई हैं किशन जी। उन्होंने गाना मेरे लिए एक लिखा था, अरे कि जाए पिया जवानी हमर जराई रे गैलाना। कितने लोगों ने गाना सुना, एक बार हाथ उठाइए तो। बाप तहरा लोग सुनबो भजन ना सुनबो, यूट्यूब वाला भाई लोग कहता कि ना खाली अश्लीलता होता तो भजन में मनोरंजन ना होला। आई एम खेसारी लाल यादव, आई एम नॉट धीरेन्द्र शास्त्री। हम धीरेन्द्र शास्त्री बाबा तो नहीं है, बागेश्वर धाम तो है नहीं कि मंच पे आके हम प्रवचन करेंगे, उनका जौन अलग है। 3 तारीख को खेसारी लाल यादव वहां भी जा रहा है, हमारे कार्यक्रम 3 तारीख के बाबा के धाम पर, तो आप लोग भी आइएगा, टिकट हम करा देंगे, चाहे टिकट तू लो अपने से करा लिया, हम वो भी पैसा दे दे। कितना लोग हम ना तू अपना से टिकट करा के चले, ये पैसा हम दे दे, ठीक बा? ना ही देव तो कोनो कार्यक्रम में तर लोग के नाम धो दे तो पुरस्कार में हो जाए। कि चढ़ल जवानी जोर भइल बा, ए राजा देह कमजोर भइल बा, कि ना रहोगे तो दिल में उठे आगी हो, काहे तार सब तार बलिया के बागी हो, कोहरा साउंड, कोहरा साउंड कहाँ के हो डिहरी? अरे अच्छा, कोहरा साउंड बहुत प्यारा साउंड है। अगर कोई भी कार्यक्रम हो तो आप लोग इनको जरूर बुलाइए, ये पैसा वैसा नहीं लेते हैं, खाली तेल खर्चा पे आते हैं, है ना? ले लाओ तेलवे में मार देगा कम से कम 1.5 लाख रुपया। चलिए, लेकिन बहुत प्यारा साउंड है भाई, भगवान ऐसे ही बनाए रखे आपको ताकि हम जैसे कलाकारों को मनोरंजन होता रहे। बस एक दो को गाना और गाए, बहुत कलाकार बढ़े ऐसे जो सबके सुनल रहो जरूरी बा। शिल्पी राज हमार बहिन विजय चौहान, अंकुश राजा, अक्षरा जी भी आई हुई हैं, तो बहुत सारी कलाकार है, सपना चौहान, तो सबको सबको प्यार और आशीर्वाद दे के जाइएगा। अरे कि जाए है पिया जवानी हमार चढ़ाई रे गैलाना, पगले पर हल्ला तो करो, तू पीछे से हल्ला करत रह, तू हल्ला करत रह कि हवा छोड़त रह,
एक नंबर गिरबत देख लिया नीचे कनो चोख चीज नहीं खनो ना तो तोहरे मजा मिले लगी आदमी बन जाओ माही मनीषा कर। ये दोनों बच्ची के बारे में क्या बोलोगे आज? सच पूछिए तो लोग कहते हैं ना कि बेटा होगा तो कमा के खिलाएगा। आज ये अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को तार दिया इन लोगों ने, अपने मेहनत से, अपने ऊर्जा से, अपने कला से। और इन दोनों का मिसाल देता हूँ मैं। मुझे मेहनती में शिल्पी राज को प्यार क्यों करता हूँ जानते हैं? मैं शिल्पी राज को सो के सोई थी बच्ची और एक गाना गाया था। मैं 4 बजे सुबह में बोला बेटा गा दो ना, सो के उठ के उसने गाना गाया। एक गाना था मेरा, मैं और सपना चौहान जी ने किया था उसको कि दादे से कटला जाते अरे गालियां हो टमाटर जैसा। तो मेहनती कलाकार देखिए, किस्मत से आदमी ना, मेहनत से अमिताभ बच्चन बनता है और किस्मत से अभिषेक बच्चन। मेहनत करिएगा तो आज नहीं तो कल आप ऊपर आइएगा। और ये दोनों बच्ची मिसाल है कि आज ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। माही मनीषा का नाम ले लिए तो लोग जान जाते हैं। ये और मेरे बड़े भाई उमा शंकर भैया के भाई और हमारे बड़े भाई रमेश भैया अगर कहीं भी हो तो इधर आइए। उमा शंकर भैया आपका नाम लक्ष्मण रखना चाहिए। अगर वो राम है तो आप लक्ष्मण हैं। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का स्नेह जो कलाकारों के प्रति और अपने जनता के प्रति रहता है, ये स्नेह सच में मैंने, ये नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं बोलता हूँ। आप लोगों को पता है कि हम बोल ले के चलते कितना विवाद में रही ले, ये सच्चाई है। मैंने बहुत सारे नेताओं का कार्यक्रम किया है लेकिन नेताओं का किया है, क्षेत्र का बेटा का नहीं किया है। बस एक ही बार क्षेत्र का बेटा का किया था आज से 5-7 साल पहले जब मैं और रवि किशन जी आए थे। और उस शुभ अवसर पे मुझे आज तो घर की शादी है हमारे, मैं तो अब रमेश भी हमारे बड़े भाई हैं, उमा शंकर भी बड़े भाई हैं, तो भतीजे हो हमारे। ऐसा नहीं खे जे अपना भतीजा के शादी में इतना फंक्शन हम देखते नहीं। जब इस जमार की उन 351 लड़कियों की शादी हो रही थी तो ऐसा ही भव्य स्वागत था। तो ये अपने और आप लोगों में कोई फर्क नहीं समझते, ऐसा ही तो बेटा चाहिए। आप जैसे लोगों को महाराज मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इस जिंदगी में अगर राजनीति का मतलब पैसा कमाना है तो राजनीति नहीं करना चाहिए, उद्देश्य आपका रहना चाहिए। एक शब्द बोल रहा हूं शायद ये कड़वा है, पैसा यहाँ जो कमाओगे यही खर्चा होगा, वहाँ खर्चा करने के लिए उपकार करना पड़ता है। और आप दोनों भाई यहाँ जो कमाए तो कमाए लेकिन वहाँ के लिए आप लोग पैसा जमा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। वहाँ क्या खर्चा होगा उसके लिए काम करिए, नहीं तो देखिए यहाँ कोई किसी का नहीं है। बेटा पतोह की हो जाएगी, बेटी दामाद की हो जाएगी, शरीर शमशान का हो जाएगा और जिंदगी मौत की हो जाएगी, यही सच्चाई है। और धान के तनो धान धान भरत रहा, लास्ट में निधन लिखा जाएगा। ये जिंदगी है। दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो माँ आपको दुनिया में लाई है
और जो एक बीवी पूरी दुनिया छोड़ के आपके लिए आई है, इस दो लोगों को हमेशा याद रखिए, लवी भैया और दिल से प्रणाम। ऐसे लोगों का पैर छूने का मन करता है। आप दोनों भाइयों का एक मिसाल है। जिंदगी में अगर कुछ मांगना होगा तो मैं धरती पे जब आऊंगा आप ही दोनों को मांगूंगा कि आप जैसे लोग इस धरती पे रहना बहुत जरूरी होता है। भगवान हजारों हजार बरिस आप लोगों का परिवार का ऐसे ही खुशनुमा जिंदगी रखे। थोड़ा सा साइड हो जाएंगे तो मैं लोगों को देख पाऊंगा। भैया बेंजू बंद है हुए है हैने के टूट गए लो। अब जान बचल में तो तुरिए देवे लो। करा ऊपर जइब त तरह के खोजे में टाइम लगी हमनी के। ओ से तनियो ऊपर गइले त ऊपर ऊपर निकल जइबो। तो दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। क्या हुआ? कि पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। हर अपना तो देखो बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। और सपना चौहान जी भी आई है नींबू खरबूजा वाली, उकरो को बुला ली। पक्का पक्का बुला ली। एगो गाना के बाद माही मनीषा जी के साथ एक गाना कर लेता हूँ। माही मनीषा बाबू आप लोग आ जाओ एक बार, आ जाइए मंच पे। माही मनीषा जी